हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल में। बताना चाहूँगा BTUP की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। इस ऑफिशियल नोटिस में ये बताया जा रहा है कि जो आपके प्रॉक्टर हैं उनकी नियुक्ति किस तरीके से होगी और आपके प्रॉक्टर जो होंगे यानी कि BTUP की जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके प्रॉक्टर किस तरीके से आप पर नज़र रखेंगे। और ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपका UFM और बैक दोनों ही लग जाएगा। क्या गलती नहीं करना है वो भी मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से। तो जो जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल होगा उसको ऑल पर सिलेक्ट कर लो जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिलता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसा कि एक ऑफिशियल नोटिस निकलता है वैसा ही दे रखा है, प्रेषक सचिव प्राथमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में प्रधानाचार्य देखो सेवा में प्रधानाचार्य ये देखो राजकीय अनुदानित क्षेत्र की संस्थाएं और जो मेन हमारा है उसी पे टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। डाउट हो, कॉन्सेप्ट हो, बोर्ड्स हो या फिर JNEETs, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन है फ्लो ऐप। फ्लो ऐप के साथ आप किसी भी समय मात्र 3 स्टेप में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आना है और सर्च करना है फ्लो ऐप, या फिर डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर नंबर डालना है और यहाँ पर साइन इन हो लेना है। उसके बाद आपको अपना क्वेश्चन टाइप करके भी पूछ सकते हो या फिर गैलरी से क्वेश्चन भी लेकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हो। मात्र 60 सेकेंड के अंदर एक्सपर्ट आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे वीडियो कॉल के जरिए। वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220, तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो डाउनलोड करें फ्लो ऐप। फ्लो ऐप का प्रीमियम ले रहे हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज करना ना भूलें जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो मेन टॉपिक इसमें ये विषय, विषय क्या है पहले विषय देखते हैं। सम सेमिस्टर परीक्षा वार्षिक परीक्षा अगस्त 2021 में अधीनस्थ छात्राओं की परीक्षा ऑनलाइन संपादित किए जाने हेतु प्रॉक्टर्स नियुक्ति कराने के संबंध में, ये देखो प्रॉक्टर्स की नियुक्ति कराने के संबंध में ये नोटिस जारी किया है BTUP ने। अब देखिए भाई ये नोटिस के माध्यम से BTUP कहना क्या चाहता है, जो आपके प्रॉक्टर होंगे वो किस तरीके से आप पे नज़र रखेंगे ये भी मैं क्लियर करूँगा, और आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या गलती नहीं करनी है वो भी मैं बताऊँगा ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से। तो वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू करते रहिए। यहाँ पर देखते हैं महोदया कृपया उपरोक्त विषयक परिषद प्राप्तांक, यहाँ पर ये सब दे रखा है 22/6/2021 का संदर्भ भेड़ करने का कष्ट करें, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र यहाँ पर पत्र दे रखा है और दिनांक 14 जून 2021 के लिए लिए गए निर्णय के अनुक्रम में परिषद द्वारा सम सेमेस्टर परीक्षा वार्षिक अगस्त 2021 की परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से कराया जाना निर्धारित है। उपरोक्त से अवगत कराना है कि सम सेमेस्टर परीक्षा वार्षिक परीक्षा अगस्त 2021 की परीक्षा 18/8/2021 से लेकर 24/9/2021 के मध्य संपादित की जाएगी। ये तो आपको पता ही है 18 तारीख से आपके एग्ज़ाम होने वाले, किसके फाइनल ईयर वालों के 18 से एग्ज़ाम हो रहे हैं और मॉक टेस्ट भी हो रहा है आपको पता होगा। और आपका मॉक टेस्ट अगर हुआ है नहीं हुआ है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यहाँ पर देखते हो 18/8/2021 से 24 तक फाइनल ईयर के एग्ज़ाम यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे और परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन हेतु 30 छात्राओं की मॉनिटरिंग के लिए एक प्रॉक्टर की नियुक्ति की गई है, यानी कि 30 स्टूडेंट्स की जो नियुक्ति है 30 स्टूडेंट्स पर एक प्रॉक्टर रखेगा नज़र। 30 स्टूडेंट्स पर, ध्यान सुनो मेरी बातों के लिए, 30 स्टूडेंट्स पर
एक प्रॉक्टर नज़र रखेगा, यानी कि एक प्रॉक्टर जो है वो 30 स्टूडेंट्स पर नज़र रखेगा। बताइए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 30 छात्राओं की मॉनिटरिंग के लिए एक प्रॉक्टर की नियुक्ति की गई है। परिषद द्वारा नियुक्ति प्रॉक्टर की सूची संलग्न है। यह अवगत कराना है कि नियुक्ति हेतु प्रॉक्टर की ड्यूटी एवं लॉगिन हेतु यूजर आईडी पासवर्ड प्रॉक्टर की ईमेल पर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका ईमेल एड्रेस, सॉरी, आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वह प्रॉक्टर की ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए। ठीक है, अतः निर्देशित किया जाता है कि सम सेमेस्टर परीक्षा वार्षिक परीक्षा 2 अगस्त 2021 की ऑनलाइन माध्यम से उपयुक्त संपादित किए जाने हेतु नियुक्त प्रॉक्टर को अपने स्तर पर सूचित करने का कष्ट करें। यानी कि जो आपके प्रॉक्टर हैं, यहाँ पर आपने देख लिया किस तरीके से नज़र रखेंगे, यानी कि एक प्रॉक्टर 30 स्टूडेंट्स पर नज़र रखेगा, 30 स्टूडेंट्स पर नज़र रखेगा एक प्रॉक्टर। ठीक है, देखिए भवदीय सुनील कुमार सोनकर जो कि BTUP के सचिव हैं, और यहाँ पर देखिए जैसा नोटिस निकलता है वैसा ही यहाँ पर सब कुछ दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि निजी सचिव अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा जैसा यहाँ पर नोटिस दे रखा है, नोटिस में सब कुछ दे रखा है, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और देखिए सुनील कुमार सोनकर जो कि BTUP के सचिव हैं। अब बच्चों, बहुत से बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज ये हो रहे हैं, अब मैं आपको बता दूँ, देखो प्रॉक्टर नज़र किस तरीके से रखेंगे, यहाँ पर समझ में आ गया आप लोगों के कि एक प्रॉक्टर है वो 30 स्टूडेंट्स पर नज़र रखेगा। बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस में बिल्कुल ओपनली लिख दिया है कि एक प्रॉक्टर 30 स्टूडेंट्स पर नज़र रखेगा। अब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम में दिक्कत आने वाली है। अब आप यहाँ पर एक बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, अब बात करते हैं, देखो ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको गलती क्या नहीं करने, नहीं तो आपकी बैक लगेगी। और UFM जो कि बहुत बुरा होता है स्टूडेंट्स, UFM अगर लग जाता है तो आपकी बैक ही समझो, UFM एक तरीके से ऐसा होता है। UFM कब लगता है, जब आपके प्रॉक्टर आपको वार्निंग दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका कैमरा ऑफ है या फिर आपका माइक ऑफ है, आप लोग नकल करने की कोशिश कर रहे हो और प्रॉक्टर को पता लग गया हाँ ये बच्चा नकल करने की कोशिश कर रहा है, तो उस टाइम वो प्रॉक्टर आपको वार्निंग देगा। अगर 25 से ज़्यादा वार्निंग आती हैं तो आपको UFM लग जाएगा और आप ऑटोमेटिक उस साइड से लीव हो जाओगे और आपका वहीं पर UFM लगेगा और आपका रिजल्ट रुक जाएगा और वहीं आपका बैक आ जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, एक तो रूल ये हो गया, ठीक है, दूसरी मतलब क्या है जिससे आपको नहीं करना है, तो आपको भाई नकल करने की सोचना भी नहीं है। और बहुत से बच्चे बता रहे हैं कि इस तरीके से नकल हो सकती है, लेकिन उसके लिए लैपटॉप ज़रूरी है, लैपटॉप और बहुत ज़्यादा मतलब टैलेंटेड बच्चा हो, 2-4। और हाँ, दूसरा नियम ये है, 2-4 बच्चे बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं वो नकल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और एक बात और सुनिए आप लोग कि जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है उसमें एक कमरे में एक बंदा ही रहना चाहिए, एक कमरे में 3 बंदे नहीं रह सकते, 3 स्टूडेंट्स नहीं रह सकते। आपको अकेले कमरे में एग्ज़ाम देना है, अगर 2 लोग 3 लोग हैं और प्रॉक्टर को शक हो गया तो आपको UFM लग जाएगा, ध्यान रहना, वार्निंग आएंगी, 25 से ज़्यादा वार्निंग होता है तभी UFM लगता है और बैक भी लग जाएगा। तो ये तो दूसरी प्रॉब्लम हो गई, आपको यही करना, माइक वगैरह सब कुछ ऑन करके रखना है, और कोई दिक्कत अगर आती है ऑनलाइन एग्ज़ाम में तो जो नंबर प्रोवाइड किया है BTUP ने उस नंबर पर आपको कॉल करना है और BTUP से बताना है कि हाँ सर हमारे यहाँ इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। तो आई होप आप सारी बातों को समझ गए होंगे, UFM से बच के रहना है। तो भाई कुछ भी आपको जो आपका मोबाइल वगैरह उसमें कुछ भी नकल करने की कोशिश ना करें और कमरे में सिर्फ अकेले ही रहें, और ज़्यादा अगर कोई नकल करने की सोच रहा है तो बहुत ज़्यादा होशियारी से करे, क्योंकि अगर प्रॉक्टर को पता लग गया ना तो UFM आपका लग ही जाएगा, गारंटी मैं ले रहा हूँ इस बात की। तो बहुत ज़्यादा सात्रता से अगर कोई बच्चा नकल करना चाह रहा है तो कर सकता है, लेकिन सात्रता से करेगा तभी पॉसिबल हो पाएगा। अगर प्रॉक्टर की नज़र पकड़ी गई तो आपका तुरंत के तुरंत 25 वार्निंग भेज देगा एकदम से वो, और आपका UFM लग जाएगा और आपकी बैक भी लग जाएगी। तो बच्चों इसी तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा था, आई होप मेरी बातों को आप स्पष्टली समझ पाए होंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। बच्चों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इस टेलीग्राम पर आपको छोटी मोटी PDF, जैसे हमारी क्लास BMC की हुई थी उसकी मैंने सेल्फ मेड PDF बनाई थी और उसको आपको
टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया है, ठीक है। छोटे मोटे नोटिस जो विवेक सर, पुनीश सर जो भी अपडेट देते हैं वो हम टेलीग्राम पर ही डाल देते हैं, जिसका वीडियो मैं नहीं बना पाता हूँ, ठीक है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है यार, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए आज की वीडियो इसको यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।